what's happening in Bangladesh can happen here. Is just that Bangladesh is a concentration of much that we have in our country, and the spread in our country prevents things blowing up in the manner in which they've blown up in Bangladesh. क्या सत्ता पाने की छटपटाहट इस कदर हावी है कि कांग्रेस के बड़े नेता सलमान खुर्शीद भारत में बांग्लादेश जैसी कामना कर रहे हैं और वो बयान पर अडिग हैं। I say whatever I say in public, never in private. ये बहुत ही गंभीर विषय है, जब भारत के चारों तरफ इस प्रकार की परिस्थिति देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी जो देश का आज मुख्य विपक्ष है, वह भी यही चाह रही है। आज मुझे याद आता है जब पार्लियामेंट में खड़े होकर राहुल गांधी कहते थे कि इस देश में आग लगेगा, इस देश में दंगे होंगे, इस देश में प्रधानमंत्री जी के ऊपर हमला होगा। तीन बार लगातार हार देखने के बाद कांग्रेस की मानसिक स्थिति ऐसी है कि देश को अराजकता में झोंकना चाहती है। देश को पीछे धकेलने के लिए कांग्रेस कुछ भी करने के लिए तैयार है। कांग्रेस में ऐसी सोच सिर्फ एक नेता की नहीं है, कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा की तमन्ना भी कुछ ऐसी ही है। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। पहले श्रीलंका में जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी, अब बांग्लादेश में घुसी, अब भारत का नंबर है। मोदी फोबिया का असर सिर्फ कांग्रेस तक नहीं है, दूसरी पार्टियां भी सियासत चमकाने में जुटी हैं। बांग्लादेश में हो रहा है या हुआ है, हमारे मुल्क को सबक सीखना चाहिए। तानाशाही का ज्यादा वक्त नहीं होता है। लेकिन मोदी से नफरत वाला ये ट्रेंड नया नहीं है। तू चाय बेच से लेकर मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ऐसे बयानों की लंबी फहरिस्त है।